नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मध्देश। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमान ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार के पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों को कड़ी मेहनत करने की सलाह दी है। प्रकरणों की विवेचना शीघ्र पूर्ण कर निर्धारित समय में आरोप पत्र दाखिल किए जाए। एकीकृत जिला कार्यालय परिसर में मंगलवार को कलेक्टर की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निगरानी एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निजामाबाद के पुलिस आयुक्त के आर नागराजू शामिल हुए। इस अवसर पर कलेक्टर ने प्रखंडवार निजामाबाद बोधन एवं आर्मर अत्याचार प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की। वे एक सशस्त्र जांच कराना चाहते हैं, पूरे सबूत इकट्ठा कराना चाहते हैं और समय पर चार्जशीट दाखिल करना चाहते हैं ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। पुलिस राजस्व सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने समन्वय बनाकर आगे बढ़ने की इच्छा जताई है। सामाजिक बहिष्कार करने वालों और कानून को अपने हाथ में लेने वालों को पंजीकृत किया जाना चाहिए और कानून के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए। इस दौरान कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को सलाह दी, सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक नियमित रूप से की जाए ताकि जिला प्रशासन के ध्यान में आने वाली समस्याओं को दूर करने के उपाय किए जा सके। देखिए कालिदास अनंतोजी की ये खास रिपोर्ट।